मध्य प्रदेश के शाजापुर में दो पक्षों में संग्राम, मारपीट और पथराव के बाद भगदड़ मची है। विवाद में एक शख्स की मौत हो गई है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शाजापुर के मक्सी में दो गुटों के बीच विवाद हुआ है और विवाद इतना गहरा गया है कि मारपीट में ये तब्दील हुआ, पथराव हुआ है, जहां दोनों गुटों के बीच गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। जी, सिर्फ पथराव नहीं हुआ, गोलियां भी चली है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है, ये भी एक बड़ी जानकारी हासिल हो रही है। दो पक्षों में किस तरह से संग्राम हुआ है, भगदड़ मची है यहां पर, विवाद आप समझ लीजिए कितना ज्यादा जो है ये गहरा गया। एक शख्स को अपनी जान देकर इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए और जो इंजर्ड लोग थे उन्हें उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई और बाकी जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को समझने के लिए प्राथमिक आकलन कर लिया गया है, SP साहब और उनकी टीम ने कर लिया है, हम लोगों ने भी देख लिया है। उसके साथ साथ CCTV फुटेज और जो आसपास के कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के शाजापुर से आपको खबर बता रहे हैं। शाजापुर जिले के मक्सी में कल रात विवाद हुआ है, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग पर बात आ गई है, पथराव जमकर हुआ है। मौके पर पहुंची है पुलिस और पुलिस पर भीड़ ने पत्थर भी फेंके। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की है और आपको यह भी बता दें कि कलेक्टर, SP समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उपद्रव में 40 साल के अमजद की मौत भी हो गई है, 7 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का इंदौर के एक अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। वही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लगा दी है। सुरक्षा के लिहाज से मक्सी में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिश जो है वो लगातार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की जा रही है। मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, भगदड़ मची है, दो पक्षों में किस तरह से संग्राम हुआ है, विवाद हुआ है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि शांति बहाली की जाए। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ प्रदीप नामदेव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये विवाद क्या था जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना ज्यादा गहरा गया कि मारपीट हुई है और गोलियां भी चली हैं। पर विवाद हो गया, सदस्यता अभियान के बाद घर लौट रहा था, उसके बाद जो है समुदाय के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद से दो पक्षों में कल जो है देर रात जो है जमकर जो है लाठी डंडा पत्थर राव और साथ में गोलियां भी चल गई। तो देखिए, जब वो युवक अपने घर से वापस लौट रहा था तो उसके साथ कई लोगों ने मिलकर जो है मारपीट की, जिसके बाद उसे जो है नगर परिषद जो है महेंद्र जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको फोन किया, उसके बाद से वहाँ पर काफी लोग पहुंचे, जिसके बाद से जो है बलवा की स्थिति बन गई और वहाँ पर खूब पथराव हुआ और गोलियां भी चलने। मौके पर तुरंत SP और आसपास पुलिस स्टेशन के जो है बल को तैनात किया, जिसके बाद जो है पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिस पर कई पुलिसकर्मी घायल हुए, साथ ही एक की मौत हो गई है। मतलब जो युवक थे, दो पक्षों में पथराव हुआ है, उसमें पथराव में एक युवक की मौत हो गई है, साथ ही 7 से ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से घायल है, उन्हें इलाज के लिए इंदौर भेजा गया। और साथ ही 144 जो है धारा थी उसको 163 अब जो है नए कानून के तहत धारा 163 भी लागू कर दी गई है और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो देखिए, जिसके बाद से जो है लगातार जो है SP और कलेक्टर वहाँ का जो है वहाँ के अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अधिकारियों से बातचीत की है। देर रात मोहन यादव ने दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की है कि
इस तरह की स्थिति नहीं बनना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि गोलीबारी दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी करी और साथ ही पुलिस को भी फायरिंग करने